बलौदाबाजार से इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक प्रमोद शर्मा और उनके साथ में रहे 16 लोगों के ऊपर हुआ एफआईआर दर्ज। नेविस्टा इमामी सीमेंट संयंत्र के विस्तार को लेकर 16 फरवरी को प्रभावित ग्राम धनधनी में जनसुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा के द्वारा जनसुनवाई को गुपचुप तरीके से करने का आरोप लगाते हुए जनसुनवाई को स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस बीच पुलिस के साथ झूमाझपटी हुई थी। घटना के बाद बलौदाबाजार सिटी कोतवाली थाने में विधायक प्रमोद शर्मा सहित 16 लोगों के खिलाफ नाम जब्त एफआईआर दर्ज गैर जमाती धाराओं के तहत दर्ज की गई है। साथ ही अन्य 100 से 150 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। घटना की वीडियो के आधार पर पहचान पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। वहीं बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने अपनी एक न्यू विस्टा सीमेंट प्लांट के द्वारा 16 तारीख को जो जन सुनवाई किया गया था, मैं उसे पूर्ण रूप से वैधानिक पूरा गैर कानूनी मानता हूं। नियम से किसी प्रकार का वहां पालन नहीं किया गया है और पूरे क्षेत्रवासी, पूरे आसपास के जितने क्षेत्रवासी हैं, सभी इनके विरोध किए हैं और उनको बोलने नहीं दिया गया है। मैं और मेरे साथी लोग, जनप्रतिनिधि लोग, हम लोग गए थे विरोध प्रकट करने के लिए, तो हम लोग को प्लांट और प्रशासन की मिलीभगत से हम लोग को गिरफ्तार कर दिया गया और मेरे ऊपर में नॉन बेलेबल धारा मेरे साथियों के ऊपर में लगाया गया है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? हम लोग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, अपनी समस्या को लेकर वहां गए हैं, प्रदर्शन किए हैं, जन सुनवाई को स्थगित करने की मांग की है, युवा बेरोजगार के आरक्षण के लिए मांग की है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि युवा बेरोजगार को 90% आप आरक्षण दीजिए। वहां का जल स्तर जो गिर रहा है, उसके लिए कंपनी क्या भूमिका लेगी, ये आप स्पष्ट कीजिए। क्या हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं? आप देख लीजिए कि हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर नॉन अवेलेबल धारा, जैसे कि कोई आतंकवादी हो। क्या क्षेत्र में अपनी बात रखना गुनाह है? मैं पूरी तरीके से इस जन सुनवाई का विरोध करता हूं और आगे भी मेरा संघर्ष जारी रहेगा। ये अनुचित काम जो कंपनी वाले या प्रशासन मिलके मेरे ऊपर, न्यू विस्टा के ग्राम ढंडनी में जन सुनवाई थी, इस दौरान जो विधायक, स्थानीय विधायक प्रमोद शर्मा जी और उनके लगभग 100-150 कार्यकर्ता जो वहां विरोध के स्वरूप उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा वहां कुछ हुड़दंग भी किया गया और हुज्जतबाजी की गई, साथ ही पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की गई। इस संबंध में जो रायपुर से ड्यूटी आरक्षक आए थे, उनमें 6-7-8 आरक्षकों को कुछ चोटें आई थी, तो उसी आधार पर रायपुर के ही आरक्षक के आवेदन के आधार पर उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें 294, 506, 186, 353, 332 और 427 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। सर, ये अपराध का पंजीबद्ध, ये परसों जन सुनवाई के बाद ही, जब ड्यूटी सभी वापस आई, उसके बाद जो आरक्षक जिनको चोटें लगी थी, उन्होंने थाना उपस्थित आकर बताया कि उन्हें चोटें आई हैं और वो इस संबंध में कार्रवाई चाहते हैं। सर, अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? वर्तमान में गिरफ्तारी अभी किसी के नहीं की जा सकी है। 16 लोगों का नामजद एफआईआर हुआ है और लगभग 100-150 अन्य उसमें शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई करेगी। सर, जिस दिन घटना हुई थी, उस दिन विधायक आपके हिरासत में थे और उसी दिन एफआईआर हुई, तो उसी दिन पुलिस की गिरफ्तारी? उस दिन उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, क्योंकि वहां पर काफी माहौल बिगड़ता जा रहा था, इसलिए विधायक महोदय को जो है आग्रह करके वहां से हटाया गया और उस समय तक हम सभी ड्यूटी पर तैनात थे। बाद में जब सभी ड्यूटी वापस आई, वापस आने के बाद जो है यह पता चला कि आरक्षकों को जो है चोटें आई है, तब उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई करने हेतु यहाँ निवेदन किया था। सर, अभी विधायक की पत्रसाजी की जा रही है जिन लोगों के खिलाफ नाम जर्ज है? देखिए, विधायक महोदय की गिरफ्तारी के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही जो है उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।